गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और मॉर्निंग का जितना काम है मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो लंच में आज बनेगा हमारे घर पुई शाक, बंगाली पुई शाक, जो कि बाहर नहीं मिलता है। मैं तो 8 सालों में कभी मुझे मिला नहीं है, लेकिन बेस्ट पार्ट की मेरे एक बंगाली फ्रेंड है, दीदी है एक, वो उनका छत है तो छत पे उन्होंने लगाया है, तो वही लाके दिए हैं मुझे। शाक मिक्स वेज एक सब्जी होता है, वो पुई शाक और मीठा कद्दू, मतलब पम्पकिन, पोटैटो, ये सब मिला के एक सब्जी बनाऊंगी और फ़िश करी बनाऊंगी। बेसिकली ना मुझे ना तो फ़िश पसंद है ना तो सब्जी, मतलब हरी सब्जी, क्योंकि जब से हम बाहर रहते हैं हमारे बंगाल के जो साग है वो सब बाहर तो नहीं मिलता है, तो खाने को नहीं मिलता है। अभी मुझे अच्छा लगता है, अभी घर जाती हूँ तो खाती हूँ, जब घर में थी मैं, लड़की थी, तब मैं कभी नहीं खाती थी। अभी मुझे अच्छा लगता है सब कुछ। और बाहर के लोगों का ऐसा मानना है कि बंगाली मींस फ़िश बहुत खाते हैं, बट ऐसा नहीं है, हर किसी को फ़िश पसंद नहीं है। मुझे उतना फ़िश पसंद नहीं है, मैं गिना चुना फ़िश ही खाती हूँ, जैसे मुझे हिलशा फ़िश और प्रॉन ये सब पसंद है। उसके अलावा मुझे दूसरा रोहू, कातला, उतना इंटरेस्ट नहीं है। बाहर रहती हूँ, अभी मिलता नहीं है, तो इसीलिए मैं रोहू, कातला ये सब खाती हूँ। क्या करें, नहीं मिलता है तो जो मिलता है वही खाते हैं। अभी घर में थी तो उतना फील नहीं होता था, अभी बाहर रहती हूँ तो अभी पता चलता है। हाँ, जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं जैसे कि पाट शाक, पुई शाक, बंगाली रेड साग, ये सब मिलता था हमारे उधर, कोलर मोचा, ये सब इधर तो बिल्कुल नहीं मिलता है। कोलर मोचा मीन्स बनाना फ्लावर, जो कि बाहर बहुत मुश्किल से मिलता है, हर एक मतलब स्टेट में नहीं मिलता है। कोचू शाक, ये सब बहुत मिस करती हूँ सच में, तो जो मिल रहा है उसी में एडजस्ट करना पड़ता है और वही खाना पड़ता है अभी। तो चलिए खाना बनाते हैं, बनाते बनाते बात करते हैं। आपके साथ मैं पुई शाक की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे सारे प्रिपरेशन करके रख दी हूँ और ये है पुई शाक, जो कि आसानी से बाहर तो मिलते नहीं है। जो जिनको मिलता है बाहर के स्टेट में वो बहुत लकी है सच में, मुझे तो आज तक कभी नहीं मिला 8 सालों में, ना तो चंडीगढ़ में मिला है, ना तो झांसी में मिला है, ना तो गांधीनगर में मिला है, अभी जम्मू में भी तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अभी खाने को मिल रहा है बहुत दिन बाद, तो चलिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 फोड़न, तेज़पत्ता, सूखी मिर्च डाल के आलू और पम्पकिन डाल दी हूँ, और उसके बाद हरी मिर्ची डाल दी हूँ, और अभी मैं यहाँ पे अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच के करीब अदरक का पेस्ट। आप अदरक ना कूट के भी दे सकते हो, ऐसा नहीं पेस्ट डालना पड़ेगा, अदरक कूट के भी डाल सकते हो। और यहाँ पे जाएगा 2 चम्मच के करीब, 1 बड़ा चम्मच के करीब क्यूमिन पाउडर, मतलब जीरा पाउडर। और यहाँ पे मैं हल्दी और नमक भी ऐड की थी पहले, जब आलू डाली थी फ्राई करने के लिए तभी मैं डाल दी थी। थोड़ा सा मसाला भून जाए उसके बाद मैं यहाँ पे पुई शाक डाल दूँगी, ये धुला हुआ काट के रखी हूँ, और मतलब काट के धो रखी हूँ, और उसके बाद इसका जो डंडी भी है वो भी मैं डाली हूँ उसमें, तो घर का है, अच्छा ही लगेगा, इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ हुआ है तो टेस्टी ही लगेगा। इस टाइम पर मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये जो हल्का सा बॉयल किया हुआ चना, और मैं बता दूँ ये साग जो है ना ये भोग में भी चढ़ाते हैं, एज ए लाबड़ा खाते हैं, मिक्स वेज जो एकदम वेजिटेरियन होते हैं ना वो लोग मतलब ये सब प्रेफर करते हैं, और घर में भी हम लोग ऐसे बनाते हैं, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, सिंपल है एंड ऑथेंटिक है बहुत ज़्यादा, एक बार बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी है। मसाला मेरा कुक हो गया है, उसमें से तेल भी निकल आया है, तो इस टाइम पर मैं यहाँ पर डाल दूँगी पुई शाक। तो अभी इसको मैं ढक के पकाऊंगी और देखते हैं चले बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ऋषिका यहाँ पे पढ़ाई कर रही है और प्रियान मोबाइल देख रहा है। ऋषिका का गर्मी का छुट्टी हो गया है तो उसका ही सब होमवर्क कंप्लीट कर रही है,
और प्रियान को मोबाइल नहीं दूंगी तो ऋषिका को पढ़ने नहीं देता है, इसलिए मोबाइल देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से दिख रही है साग अभी, और इसमें भी डालूंगी मैं बैंगन, क्योंकि बैंगन को खोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जल्दी डालूंगी ना तो बैंगन पूरा मेल्ट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ढक ढक के धीमी आंच पे पकाऊंगी। तो देखिए बैंगन में लास्ट में डाली थी, कितने अच्छे से पक गया है। बैंगन ना लास्ट में ही डालना चाहिए, कोई भी आप मिक्स सब्जी बना रहे हो उसमें बैंगन डाल रहे हो। और आलू भी मैं दिखा देती हूँ कितना आसानी से टूट रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरा बन गया है, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पे मेरा फिश करी बन रही है। फिश करी मैं शेयर नहीं की हूँ क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको रेसिपी चाहिए होगा तो। तो यहाँ पे मेरी लंच बन गई है, यहाँ पे है फिश करी, यहाँ पे मैं सलाद काट के रख दी हूँ, और यहाँ पे है मिक्स वेज। आप ना इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि पुई शाक की जो डंठल होता है ना उसमें थोड़ा सा चिकनापन रहता है, जैसे भिंडी में रहता है, इसमें थोड़ा सा कम रहता है। इसमें पानी डालोगे तो चिकनापन जैसा हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे ही सूखा ही बनाई हूँ, सूखा ही अच्छा लगता है। फिश करी जो कि लाल लाल आलू डाल के बनाई हूँ, बिल्कुल बंगाली स्टाइल। तो हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और हमने लंच कर लिया है सबने, और ये बाहर बहुत ज़्यादा तूफान आया है। देखो सुबह ही इतना धूप था और अभी तुरंत तूफान आया है, बहुत ज़ोर से हवा चल रही है। तो लंच तो हमारी कंप्लीट हो गई है और मैं खाना बनाने से पहले ऋषिका को कुछ टास्क देके गई थी क्योंकि उसका स्कूल अभी बंद है, तो घर में मैं थोड़ा पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन टीचर तो है ही, तो वही सब अभी मैं चेक करूँगी क्या लिखी है क्या नहीं। सब कंप्लीट की है ऋषिका, और प्रियान भी हमारे साथ खाना खा लिया है। प्रियान वैसे तो मैं उसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हमारे जैसा मतलब खिलाते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा तो खाता है और कभी नहीं खाता है, तो इसके लिए बाय चांस के लिए मैं खिचड़ी बनाती हूँ उसके लिए। तो चलिए बुक चेक कर लेती हूँ। परेशान करता है, ऐसे ही परेशान करता है, मुझे कुछ करने नहीं देता है प्रियान। दीदी को कैसे पढ़ाऊंगी फिर मैं? राइट, थ्री टाइप्स ऑफ टेस्ट, दे आर स्वीट, स्कोर एंड सॉल्ट। ऋषिका को मैंने जितना टास्क दी थी वो सब कंप्लीट कर दिया है और अच्छे से कंप्लीट की है, और अभी थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूंगी। अभी तो हवा चल रही थी, फिर से धूप निकल गई है और बिहान यहाँ पे आया है, हस्बैंड यहाँ पे सो रखा है। तो चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे कहीं जाना है, तो रेस्ट करने के बाद मैं बताती हूँ आपको। चलो बाय, जाओ खेलने, जल्दी आना। रेस्ट करते करते मैं सो गई थी और थोड़ी देर पहले अभी उठी हूँ, और ऋषिका चली गई है खेलने, उसकी फ्रेंड आई थी बुलाने तो चली गई है खेलने, और प्रियान सो रहा है। तो चलिए कुछ खाते पीते हैं, पीते हैं, गर्मी बहुत है। कि मैंने आपको बताया मुझे कहीं जाना है, तो मुझे जाना है मेरे एक फ्रेंड के घर, उनकी अभी न्यू बॉर्न बेबी हुई है तो उनको देखने जाना है। तो थोड़ी देर में अभी चलूँगी, थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ, और प्रियान को नहीं ले जाऊँगी क्योंकि छोटा सा है, बिल्कुल एक महीने का है, वो चिल्लाएगा पता नहीं क्या करेगा, इसलिए उसको नहीं ले जाऊँगी। उसके पापा घर में है तो वो रहेगा उसके पापा के पास, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी देखने। चलिए प्रियान सो रखा है, वैसे देखिए कैसे सो रखा है।
तो गर्मी में आइसक्रीम बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन रहती है, तो आइसक्रीम ले रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और हल्का सा लिपस्टिक लगाई हूँ और आईब्रो सेट किए हूँ। तो अभी फर्स्ट मैं जाऊंगी, जो दीदी है बंगाली दीदी जो पुईसांग दे के गई थी, उनको मैं थोड़ा सब्जी दे के आती हूँ। उसके बाद मैं मेरा जो फ्रेंड है जिसका न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उनको देखने जाऊंगी। तो उनके घर से आ गए हैं और बहुत ही क्यूट था बेबी। तो चलिए अभी कुछ इवनिंग स्नैक्स बच्चों को बना के देती हूँ। ऋषिका भी खेल के आ गई है, तो मैं यहाँ पे आज बनाऊँगी कुछ हेल्दी। खाते हैं हमेशा तो अनहेल्दी खाते हैं, तो मखाने जो है वो दूंगी और कुछ काजू ली हूँ, तो इसको मैं घी में फ्राई करके दूँगी, दे देती हूँ उन लोगों को। तो चलिए बना के दे देती हूँ। तो ये रहा हमारा इवनिंग स्नैक्स जो कि बहुत हेल्दी है, और इसका मैं क्रंचीनेस दिखाती हूँ आपको। तो इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी भी है। तो स्नैक्स वगैरह खा के हमारी हो गई है, और हम चाय तो नहीं पीते हैं तो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिए हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं रात की डिनर की प्रिपरेशन करूँगी, और रात में सिंपल सा रहेगा, रोटी बनाऊँगी और मिक्स वेज बनाऊँगी। रात को जनरली हम लोग रोटी खाते हैं, तो थोड़ी देर में अभी बनाऊँगी, अभी टाइम है थोड़ा सा। और ऋषिका को अभी पढ़ने बिठाऊँगी, थोड़ा सा पढ़ाऊँगी उसको, और उसके पापा भी इधर बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। आई होप ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड नए आए हो मेरे चैनल पे, नए विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, हो सके तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो इस ब्लॉग की, चेंजेस लाना चाहिए मेरे ब्लॉग में, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो ही मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए किसी एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, से बाय बाय।